लो गाइस, कैसे हो आप लोग। यार आज का वीडियो होने वाला है जबरदस्त, क्योंकि यार आज हम लोग करने वाले हैं बेस्ट कंपैरिजन जो कि यार CBR 250 RR और यमहा R3 के बारे में, जो कि यार दोनों अपकमिंग बाइक्स है ये 2023 का। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस बाइक का पिकअप लेवल ज्यादा है, कौन सा बाइक स्मूथली चल रही है, और तो और इन दोनों बाइक्स का टॉप स्पीड कितना है। तो यार आज का वीडियो होने वाला है जबरदस्त, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड गाइस। 3, 2, 1 गो। गाइस ये देखो, इनिशियल एक्सेलरेशन CBR 250 क्रॉस कर गई है। गाइस इनिशियल पिकअप के मामले में यार CBR 250 RR जीत चुका है, क्योंकि यार आप लोग देख लो 77 किलोमीटर पर आर और ये हो गया 74 किलोमीटर पर आर। इसमें आप लोग को क्लियरली विजिबल है कि CBR 250 RR का इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है और R3 का इनिशियल एक्सेलरेशन CBR से थोड़ा कम है। और ये थर्ड गियर पे आप लोग देख सकते हो 102 किलोमीटर पर आर और ये 103 किलोमीटर पर आर, दोनों एकदम टक्कर की बाइक्स हैं, दोनों एकदम मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है, दोनों एकदम सही लेवल में अभी तक जा रही हैं। अब देखते हैं आगे कौन सा किसको काटता है, बाकी अब तक तो दोनों का लेवल ठीक ही है। तो अब चलिए गाइस देखते हैं आगे कौन सा ज़्यादा टॉप स्पीड जनरेट करके हम लोग को दे रही है। लगभग यहाँ पे थर्ड गियर के टॉप स्पीड में हम लोग को पता चल रहा है कि R3 CBR को काट चुकी है और ये 124 किलोमीटर पर आर चल चुकी है और ये 120 ही है, मतलब यहाँ पे काट रही है R3 CBR को। ये गियर फोर्थ में चल गया है दोनों का, तो गियर फोर में आप लोग देख सकते हो 143 किलोमीटर पर आर का स्पीड जनरेट करके दिया है हम लोग को R3, और 250 RR में हम लोग को 135। यार यहाँ पे R3 जीत रही है, सही में ड्रैग रेस में R3 जीतने वाली है ये। चलो 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 चलो, बढ़िया गाइस, ऑलमोस्ट 6 गियर डल चुकी है दोनों का। अब देखते हैं कौन सा बाइक सबसे टॉप जनरेट करके दे रही है हम लोग को। ये देख सकते हो R3 यार पूरा भाग के कहाँ से कहाँ चली गई है 190 किलोमीटर पर आर, और यहाँ पे 6 गियर में अभी भी यार CBR लड़ रही है 178 के आसपास। तो फिलहाल देखते हैं कौन सा जीतने वाला है, जीतने से यहाँ से तो क्लियरली हम लोग को विजिबल है कि R3 जीतने वाला है। तो गाइज अब देखते हैं दोनों का टॉप स्पीड में से कौन सा कितना टॉप स्पीड में जनरेट करके दे रही है। ये आप लोग देख सकते हो यार टॉप स्पीड हम लोग को मिल गई है दोनों बाइक्स की, R3 की 190 किलोमीटर पर आर और CBR RR का 182 किलोमीटर पर आर। ये है दोनों का बहुत टॉप स्पीड। और सही में बोलूँ आप लोग को इन दोनों बाइक्स में से कौन सी अच्छी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना, और आप लोग को अगर कौन सी बाइक लेनी चाहिए मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यार आप लोग को अगर टॉप स्पीड चाहिए तो आप सिंपली जा सकते हो R3 की तरफ। देखो दोनों का एग्रेसिव लुक है, किसी का ये नहीं है कि ये कम है इससे या ये कम है, लेकिन फीचर्स के मामले में बता दूँ CBR 250 RR जीतती है, और प्राइस कंपैरिजन भी ज़्यादा इधर उधर नहीं है, दोनों का आसपास ही है। तो फिलहाल आप लोग को डिसाइड करना है, मेरा अगर पसंदीदा फेवरेट रहेगा तो वो है यार CBR 250 RR, क्योंकि यार इसका जो डिज़ाइन है मेरे को और भी थोड़ा मतलब आई कैची लग रहा है। लेकिन R3 का वही सेम पुराना वाला डिज़ाइन है, लेकिन CBR के लिए हम लोग तरसते थे यार इंडियन टू डेवलपमेंट वगैरह कब तक आएगी है। तो गाइज मैं तो जाऊंगा तो CBR 250 RR की तरफ जाऊंगा, और ये इसका लॉन्च डेट मैं बता दूं आप लोग को, ये 2023 के लास्ट को होने वाली है। तो यार गाइज आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हो CBR कब तक लॉन्च होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो मेरे चैनल चेकआउट कर लो, आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने क्लियरली बता चुका है, पेटेंट भी करवा लिया है इंडियन टू व्हील मार्केट में CBR ने। तो सारा वीडियो आप लोगों को पूरा फुल डिटेल्स में मिल जाएगा, क्या डिटेल्स हैं CBR 250 RR के बारे में। तो गाइज यही थी आज की इस वीडियो में, आप लोग को कौन सी बाइक अच्छी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज़।